नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बलहा गांव के पास राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता आरके चौधरी ने कहा है कि जन जन के नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। इस बार हायाघाट विधानसभा के 30,000 से अधिक नए सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और संगठन के साथियों को आगे बढ़ाकर काम करना होगा। ऐसा उन्होंने हायाघाट प्रखंड के अशोक पेपर मिल में प्रखंड के सभी पंचायतों के अध्यक्ष एवं वरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस दौरान पंचायत समिति प्रतिनिधि यहां पर गोविंद शाह भी मौजूद थे। महत्वपूर्ण ये है कि इस दौरान सभी लोग जो प्रोग्राम के सरपंच हैं वो सभी लोग मौजूद थे। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, खासकर आरके चौधरी ने क्या कहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि हायाघाट के उप प्रमुख पूजा देवी के जो प्रतिनिधि हैं, जो संजय सहनी हैं, वो मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि रसूलपुर के जो मुखिया हैं वो मौजूद रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है, उन सभी लोगों को यहाँ पर पाग और माला देकर सम्मानित किया गया है। सईद सिद्दीकी जो यहाँ पर जो प्रखंड अध्यक्ष हैं राजद के, जो चंद्रपट्टी के रहने वाले हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत सम्मान किया और आए हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। इस अवसर पर जो आरके चौधरी हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे। इससे पहले जो उनका कार्यक्रम था वो आपको बता दें कि पघारी गांव में हुआ था, बहेरी प्रखंड क्षेत्र के, और आज यहां अशोक पेपर मिल क्षेत्र के प्रांगण में हुआ है। पंचायत समिति जो प्रतिनिधि हैं गोविंद शाह, उन्होंने यहां पर भव्य आयोजन किया था सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के लिए, और सभी लोगों का स्वागत उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर आरके चौधरी के साथ किया है। आरके चौधरी जो पहले पूर्व में बता दें कि बहादुरपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको ही ये कार्यभार दिया गया है और वो 30,000 कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देख सकते हैं। इस बीच आपको बता दें सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। ऐसे ही खबर देखते रहने के लिए भारत उदय समाचार के यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर लाइक फॉलो और शेयर जरूर करिए। देख सकते हैं यहां पर उप प्रमुख प्रतिनिधि जो संजय सहनी है उनका स्वागत सम्मान पाग और माला देकर आरके चौधरी ने किया है। इस दौरान सभी लोग लगातार अंतिम तक उपस्थित रहे। भाई रमेश चौधरी जी आमंत्रित उनको स्वागत करने के लिए अध्यक्ष आशीष जी से आए और सर से संबोधित हूँ। संजय सानी जी को नहीं बंद अच्छा लगता है। आज प्रदेश के आदेशानुसार यह फैसला लिया गया कि जो भी प्रत्याशी विगत विधानसभा चुनाव लड़े थे वो विधानसभाओं में जाकर कम से कम 40,000 सदस्य बनाने का काम करें। उसी क्रम में मुझे जिम्मेवारी हायाघाट विधानसभा की मिली है और जो लक्ष्य है पार्टी का, उसकी पूर्ति के लिए अशोक पेपर मिल के प्रांगण में जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के सम्मानित पदाधिकारी हैं और प्रखंड अध्यक्ष, सबको यहाँ बुलाया गया है और इस मंच के माध्यम से सदस्यता अभियान के महत्व को समझाया जाएगा, पार्टी कैसे मजबूत होगी यह भी समझाया जाएगा और निश्चित रूप से जो पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष आए हैं उनको सदस्यता अभियान के लिए जो वॉल्यूम आया है प्रदेश से, वो वॉल्यूम देख करके उन्हें सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए उद्बोधन किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा, ताकि यह मोटा मोटी समझ लें ये धन जुटाव नहीं है, पार्टी 10 रुपया लेकर के सदस्यता नहीं, यह जन जुटाव है। तो इस माध्यम से लोगों के बीच संपर्क संबंध सुख दुख घर जा करके सदस्य बनाना और पार्टी का जो रीजन है उसको समझाना मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है सदस्यता अभियान का वो सफल है। आरजेडी परिवार से लोग क्यों जुड़ेगा? आरजेडी परिवार इस बिहार प्रदेश में 15 साल ही काम किया है और शासन काल में
जो दलित हैं, जो कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक, वो तो सम्मान मिला है। ना जाने किंचित रूप से सरकार बदली है और 17 साल से वर्तमान सरकार है, इससे लोग ऊब चुके हैं। और जो अब राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व हमारे बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान तेजस्वी जी के हाथ में गया है, युवा हैं, और उनकी सोच अलग है कि युवा शक्ति जब तक जागृत नहीं होगा, युवाओं को जब तक सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि युवा 60% की संख्या में है, जब तक युवा की सोच नहीं मिलेगी, युवा मतलब झुकेगा नहीं, तब तक हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हमारे नेता तेजस्वी जी युवा हैं, युवा साथी उनसे जुड़ना चाहते हैं और यह संपर्क का साधन है। इसीलिए बदलाव के रूप में लोग चाहते हैं कि पुनः आरजेडी सरकार इस प्रदेश में बने। आपने मीटिंग किया, इसमें आपने कहा कि 30,000 सदस्य जुड़ेंगे, क्या लग रहा है कि कहां तक? निश्चित रूप से देखिए, हमारा कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है लोगों को कि सोया हुआ है या डीप स्लीप गहरी निद्रा में सोया था, कोई कार्यकर्ता सोया नहीं है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और जो जिम्मेवारी दी गई है उसके लिए मैं स्वयं पंचायत जाऊँगा। जो आज रसीद लेके जाएंगे उनके पीछे उनको जो साधन चाहिए उसको मुहैया कराऊंगा, उस पंचायत में जाकर गांव में मैं स्वयं घूमूंगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।